नमस्कार स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, इसका नाम है, इसका टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन या सांतत्य समीकरण। मैकेनिकल और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल विषय के छात्रों के लिए 202 सब्जेक्ट कोड फ्लूड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के अंतर्गत यह पढ़ाया जाता है और टॉपिक का नाम है सांतत्य समीकरण। चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक नोजल आकृति का पात्र है जिसमें जो प्रवेश मुख है वह छोटा है तथा जो निकास मुख है वह बड़ा है। प्रवेश मुख का डायमीटर D1 है और निकास मुख का डायमीटर D2 है। प्रवेश पर वेलोसिटी V1 है और एग्जिट वेलोसिटी, निकास वेलोसिटी V2 है। तो इसके आधार पर सामान्य शब्दों में सांतत्य समीकरण को जो निरूपित किया जाता है वह होता है A1V1 बराबर A2V2, अर्थात प्रवेश और निकास पर एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है। अगर हम स्टेटमेंट के शब्दों में बात करें तो किसी असंपीड्य नॉन विस्कस फ्लूड के लिए प्रवेश और निकास पर क्षेत्रफल और वेलोसिटी का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट रहता है, या हम कह सकते हैं कि असंपीड्य नॉन विस्कस, असंपीड्य अशान तरल के लिए प्रवेश और निकास पर निस्सरण का मान कांस्टेंट रहता है, उसे हम सांतत्य समीकरण कहते हैं। कुछ कंडीशंस इसके अंतर्गत देखी जाती हैं, वो कंडीशंस क्या क्या हैं, इसमें जो फ्लूड यूज़ किया जाए इस प्रकार के सांतत्य समीकरण की गणना के लिए, उसमें चार विशेषताएँ होना आवश्यक है। पहला, यह नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब अश्यान प्रवृत्ति का होना चाहिए। दूसरा, यह नो सरफेस टेंशन वाला होना चाहिए, मतलब इस पर कोई प्रश्न तनाव लगना नहीं चाहिए। तीसरा, यह इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और संपीड्य होना चाहिए। और चौथा, नो रेजिस्टेंस टू मोशन, मतलब इसके बहाव क्षेत्र में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब हम वापस समीकरण की बात करते हैं। जैसा कि चित्रानुसार समीकरण बनता है, A1V1 बराबर A2V2। A स्टैंड्स फॉर क्षेत्रफल और V यहाँ पर वेलोसिटी या वेग है, तरल का वेग। A1V1 को हम सामान्य शब्दों में Q से निरूपित करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है Q1 बराबर Q2। यहाँ पर Q से तात्पर्य डिस्चार्ज से है, जिसे हिंदी में हम निस्सरण भी कहते हैं। तो प्रवेश और निकास पर निस्सरण का मान कॉन्स्टेंट रहता है, और अन्य शब्दों में Q को जो यूनिट होती है Q की, वह होती है मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब आयतन प्रति एकांक समय। तो इसे हम फॉर्मूला फॉर्म में लिखते हैं dV/dt। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मैंने V यूज़ किया है वो डिफरेंट प्रकार का यूज़ किया है। तो dV1/dt बराबर dV2/dt। यह जो रेशो क्रिएट होता है इसे हम कहते हैं फ्लो रेट, इसे हम प्रवाह दर के नाम से जानते हैं। तो किसी असंपीड्य अशान तरल के लिए प्रवेश और निकास पर प्रवाह दर का मान बदलाव नहीं होता है, इसे हम सांतत्य समीकरण कहते हैं। और इस सांतत्य समीकरण के आधार पर कई प्रकार के ऑपरेटर्स हैं जो फ्लूड मैकेनिक्स में, जिनके थ्रू तरल की डिस्चार्ज का मापन किया जाता है, प्रवाह दर का मापन किया जाता है। यह है पिटोट ट्यूब, वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर, जिन्हें हम अन्य वीडियोस में अध्ययन करेंगे। ये सभी सांतत्य समीकरण की अनुप्रयोग कहलाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।